गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम आई वाज डिस्क्राइब्ड योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज टू फ्रेंड्स. ओके, टुडे वी विल डू इन दिस एक्सरसाइज. ओके, स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सरसाइज इज पुट ए टिक मार्क फॉर द ट्रू एंड ए क्रॉस मार्क फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. ओके, फर्स्ट वन इज द कैमल टुक केयर ऑफ द बेबी लॉयन. कैमल ने बेबी लॉयन की देखभाल की थी, तो दिस इज रॉन्ग बिकॉज वी विल टीच. हमने पढ़ाया था कि लॉयन ने बेबी कैमल की देख रेख की थी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैमल ने बेबी लॉयन की देख रेख की थी, सो दिस इज फॉल्स. ओके, सेकेंड वन इज द जैकॉल एंड द वॉल्फ वॉन्टेड टू किल द कैमल. जैकॉल और वॉल्फ दोनों कैमल को मारना चाहते थे, सो दिस इज ट्रू. The lion wandered in the forest till evening. Lion पूरे forest में शाम तक घूमता रहा. This is wrong because lion भूखा था और मैंने पढ़ाया था जैकॉल एंड वॉल्फ जंगल में टहल रहे थे, शाम तक घूम रहे थे. This is false. The jackal and the wolf were very cunning. जैकॉल और वॉल्फ दोनों बहुत चालाक थे. True. लास्ट वन इज द लॉयन एंड द कैमल बिकम टू फ्रेंड्स. और लास्ट में हमने स्टोरी की एंडिंग क्या थी कि लॉयन और कैमल एक साथ दोस्त बन जाते हैं, सच्चे दोस्त बन जाते हैं, दैट इज ट्रू. सेकेंड वन इज कम्प्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज द जैकॉल एंड द वॉल्फ ऑलवेज फॉलोड द लॉयन. द लॉयन टुक डैश केयर ऑफ द बेबी कैमल. द कैमल हेल्प द लॉयन टू कम आउट ऑफ द डिच. दे wandered in the forest till evening. The wolf and the jackal pounced upon the camel. Okay? So, this is your exercise and I will sending you a word meaning of this chapter. You will write it. Okay? Thank you.